हेलो भाई लोग, तो कल की का ट्रेलर आ चुका है और तुम्हारा भाई भी वापस आ चुका है, तो चलो बात करना शुरू करते हैं इस पर। और इस ट्रेलर से हमें पता चल चुका है कि अपना भैरवा यानी कि प्रभास असलियत में कल्कि नहीं होने वाला। यहाँ तक कि इस मूवी में तो कल्कि होने ही नहीं वाला। शायद ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में कल्कि का जन्म होता हुआ हमें दिखाई दे, क्योंकि इसमें जो दीपिका पादुकोण है उन्हें भगवान कल्कि की माता सुमति के रूप में दिखाया गया है, जिसका नाम लिखा गया है सुमएटी। और भाई साहब, इसमें अश्वत्थामा को जो दिखाया गया है वो तो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। खैर चलो इसके बारे में आगे बात करते हैं और क्विक ब्रेक डाउन करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि काशी, जो कि दुनिया की आखिरी सिटी बची हुई है, वो पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर है। वहाँ पर पानी नाम की चीज नहीं होती है और ना ही लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है ढंग से। इसके बाद हमें वो छोटा सा बालक दिखाई देता है जो कि हमें ग्लिम्स में दिखाई दिया था अश्वत्थामा के, और वो कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता है। और अगर तुम कॉम्प्लेक्स को नहीं जानते तो कॉम्प्लेक्स ऊपर वाली सिटी को कहते हैं और नीचे वाली नॉर्मल सिटी है। एक तरह से यहाँ पर वही मोहन जोदाड़ो वाला सिस्टम है। और वो लौंडा कहता है कि देखो कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा है और वहाँ पे कितना सारा पानी होगा। और तभी एक बंदा कहता है कि अगर वो लोग सारे के सारे रिसोर्सेस छीन लेंगे तो उनके पास तो सब कुछ होगा ही। और चलो इसके बाद बात कर लेते हैं अपने विलन यानी कल्कि के बारे में। तो इसके अगले शॉट में अपने को कल्कि के बंदे देखने को मिलते हैं और वो काफी ज्यादा बैडेस लग रहे थे। मतलब भाई, इन लोगों ने वॉटरफॉल्स बना रखे हैं या लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। इसके बाद हमें ये बंदा दिखाई देता है जो कि हमने ग्लिम्स में भी देखा था, और इसका वो हाथ वाला पोज भी दिखाई देता है जिसमें ये किसी सुप्रीम जास्किन के बारे में बोलता है कि वही एकमात्र गॉड है और वही भगवान है सिर्फ। तो आई होप ये कल्कि के बारे में ही बात कर रहे हैं, यानी कि अपने कमल हसन के कैरेक्टर के बारे में, लेकिन उसे अभी तक कल्कि नाम नहीं मिला है। इसके बाद वो बच्चा हमें फिर से दिखाई देता है अश्वत्थामा के साथ, और वो अश्वत्थामा से बोलता है कि आपके पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि आप अगर चाहें तो हम सब की रक्षा कर सकते हैं। और अश्वत्थामा बोलते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ एक की रक्षा करनी है। और तभी हमें पता चलता है कि अभी तक अपने कल्कि का जन्म नहीं हुआ है और अश्वत्थामा को कल्कि की और कल्कि की माता सुमति की रक्षा करनी है, जो कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है। इसके अलावा ये धनुष वाला शॉट भी इसमें दिखाया गया है, और मे बी आई एम 100% श्योर के ये धनुष 100% अश्वत्थामा का ही होगा, क्योंकि ट्रेलर में कहा जाता है कि इस धनुष को लास्ट बार 6000 साल पहले देखा गया था, और उस टाइम पीरियड से ठीक 6000 साल पहले महाभारत एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर से कहते हैं कि आपने अपने गर्भ में भगवान को स्थान दिया है, जिससे ये चीज 100% कन्फर्म हो जाती है कि अपने प्रभास ना तो कल्कि है और ना ही कल्कि बनेंगे कभी। कल्कि तो कोई और ही बनेगा, वो भी अगली मूवी में। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो BNB यानी बुज्जियन भैरवा में ये बात क्लियर कर दी गई है कि ये कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स है, मतलब कि हो सकता है कि इसमें हमें और भी मूवीज देखने को मिले। वैसे भी कल्कि की मदद के लिए सप्त चिरंजीवियों को भी सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए हो सकता है हमें महाभारत का कुछ प्रीक्वल देखने को मिले, हनुमान जी के बारे में कुछ देखने को मिले और सप्त चिरंजीवी के बारे में सब कुछ देखने को मिले। इसके बाद हमें महाभारत का एक सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पे हमें हमारे यंग अश्वत्थामा देखने को मिलते हैं, लेकिन पीछे से। और अगर मैं बात करूँ इसमें अश्वत्थामा की शक्ति के बारे में कि वो कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो भाई साहब वो 5-5 बंदों को एक बार में उठा दे रहे हैं ऊपर। और उनका साइज इतना ज्यादा बड़ा क्यों है? उनका साइज इसलिए इतना ज्यादा बड़ा है क्योंकि महाभारत में साइज बड़ा होता था लोगों का, मतलब कि भाई भैरवा उनके सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ट्रेलर देखकर हमें ये बात भी कंफर्म हो जानी चाहिए कि भैरवा और अश्वत्थामा की लड़ाई होने वाली है, बड़ी गंदी वाली। उसके बाद अपने भैरवा अंकल की एंट्री होती है, वो भी बड़े फनी स्टाइल में, और वही वो मतलबी इंसान जिसे लोगों से ज्यादा अपनी पड़ी है। और वो कहता भी है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही साइड होती है, खुद की साइड। कुल मिलाकर इस मूवी में वो सिर्फ एक बाउंटी हंटर होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और शायद वो दीपिका पादुकोण के एक रक्षक के रूप में भी काम करे और कल्कि के जन्म में मदद करे। इसके बाद एंडिंग में हमें हमारे कल्कि यानी कि कमल हसन की एक झलक देखने को मिलती है, और भाई बड़ी फाड़ झलकती वो, मतलब मेरे को थैनोस वाली फीलिंग आ गई एकदम। और वो बड़े प्यार से बोलता है कि एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। और भाई साहब, इसका जो लुक बनाया गया है वो बिल्कुल डेडपूल से इंस्पायर है, मतलब कि एकदम बैडएस। और इसके बाद ट्रेलर खत्म होता है और एंडिंग में आता है अपने प्रभास का उड़ने वाला सीन, जिसमें वो आयरन मैन बन जाता है। तो आई होप सो कि उसके रिपल्सर्स उसे उड़ाने का भी काम करते होंगे। खैर, ये था कल्कि का एक ब्रेकडाउन। इस बारे में अपने विचार मुझे कमेंट्स में बताओ, और देखते रहो बंटी सीज यूट्यूब चैनल, और जल्दी से सब्सक्राइब करो वरना तुम्हारे अंदर भी कल्कि घुस जाएगा।